नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, सागर की मकरोनिया से बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। मकरोनिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने छापामारी कार्रवाई की है। जी हां, दरअसल मामला मकरोनिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अवैध शराब बरामद की है। मौके से मिली जानकारी के अनुसार थाने से कुछ ही दूरी पर कुछ बंदिया समाज के 4 से 5 परिवार रहते हैं। इनके द्वारा कच्ची शराब बनाते हुए इसका कारोबार किया जाता है, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा थाना पुलिस को मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध रूप से बनाई गई शराब बरामद करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। जी हां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा है कि यह अभियान जो है आगे भी जारी रहेगा और अवैध शराब का कारोबार इस थाना क्षेत्र में पूरी तरह से समाप्त हो इसका प्रयास मकरोनिया पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है और इस प्रयास के लिए क्षेत्र की जनता को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। मकरोनिया थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई की तो मौके से अवैध शराब के कारोबारी शराब के साथ पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। सुनिए जरा इस मामले में क्या कहना है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा का। पुलिस के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम बना के अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने भी दबिश दी है और कार्रवाई भी मौके पर चल रही है। सर, नई मकरोनिया में भी हुई है क्या? नई मकरोनिया बढ़ती हुआ कई स्थान पर कार्रवाई की गई। कुछ शराब भी पाई गई सर? अभी इसका खुलासा होना शेष है क्योंकि मौके की कार्रवाई चल रही है, तो कितनी लहान और कितनी शराब उसमें जब्त हुई है कुछ देर बाद सामने आ जाएगा।